एक तरफ जहां पूरा विश्व कोरोना से जूझ रहा है, वहीं दूसरी ओर जानवरों में इसके बढ़ते प्रकोप को देखते हुए उनकी सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। राजस्थान में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए वन विभाग की ओर से विशेष एडवाइजरी जारी की गई है और इसी के तहत जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में वन्य जीव और वन कर्मियों की सुरक्षा के लिए भी विशेष व्यवस्थाएं की गई है। इस दौरान नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में लगातार सैनिटाइजर और सोडियम हाइपोक्लोराइट का छिड़काव किया जा रहा है और इसके अलावा वन्य जीव केयरटेकर को पीपीई किट उपलब्ध करवाए गए हैं। बायोलॉजिकल पार्क के एसीएफ जगदीश गुप्ता ने यह बताया कि पिछले दिनों अमेरिका के ब्रोक्स चिड़ियाघर में एक बाघ कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जिसके बाद सेंट्रल जू अथॉरिटी ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। जो भी स्टाफ पार्क के अंदर प्रवेश करता है, पहले तो हम लोगों का टेम्परेचर डेली डेली मेंटेन करते हैं, कहीं किसी का टेम्परेचर हाई तो नहीं है, टेम्परेचर में। दूसरा, जो गेट में एंट्री होने के साथ साथ उसको सैनिटाइज किया जाता है और उसके बाद पार्क में एंट्री की जाती है। इस प्रकार से कोई यदि कोई वनकर्मी रेड जोन में या इसमें है तो उसको पार्क के अंदर अलाउ नहीं करते, उसको रेस्ट दिया जाता है। इसका पहले तो प्रथम दृष्टा हम इस प्रकार से वन जीवों को बचाने के लिए, पार्क बेसिकली पूरे राजस्थान के पूरे भारत में बंद हैं, उस होने से यहाँ पर जो कर्मचारी भी कम से कम उनकी एंट्री की जाती है। कर्मचारी जो एनक्लोजर में जाते हैं वही सफाई और खान पान का कार्य करते हैं। खान पान के दौरान वो लोगों को पीपी किट पहना के चारों से भोजन की व्यवस्था की जाती है ताकि वन जीवों के प्रकार का दुष्प्रभाव